दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। और शनिवार को देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों जगह हड़कंप सा मच गया। कांग्रेस में कुछ बड़ा हड़कंप क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो गया। इस्तीफा तो होना था लेकिन इतने विलंब से हुआ, ये आश्चर्यजनक है। और यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा हिस्सा चाहता था लीडरशिप का कि अमरिंदर सिंह की ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। और ऐसी सोच रखने वालों में स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी शुरू के दौर में। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पसंद के चलते इन दो लोगों ने ही ज्यादा परसू किया नवजोत सिंह सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाने की बात। सोनिया गांधी रिलक्टेंट थी, थोड़ा उलझन में थी कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि अमरिंदर सिंह से बहुत पुराने रिश्ते, राजीव गांधी जी के जमाने से कांग्रेस परिवार के रहे हैं, कांग्रेस का जो मुख्य परिवार है, न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और यही कारण है कि अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी परनीत कौर, उनको टिकट भी लोकसभा के लिए मिलता रहा है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यानी भाई बहन ने अपनी मां को समझाया, और समझाने के लिए कई तरह के सर्वेक्षणों का इस्तेमाल किया गया। कुछ इंटरनल जो पार्टी कमेटियां हैं उसकी तरफ से पैनल बनाए गए और कुछ बाहर की एजेंसी से भी सर्वे कराया गया। पता ये चला कि अगर अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बतौर रखा जाता है तो इस चुनाव में जो अगला चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें बंटाधार हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। विधायकों ने कह दिया, मेजॉरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो विधायकों की थी उन्होंने भी ये कह दिया आलाकमान को। यहां तक कि वो देहरादून में भी बहुत सारे विधायक पहुंच गए पंजाब के, क्योंकि हरीश रावत वहीं रहते थे, वहीं के हैं, उनको ये बताने, हरीश रावत आपको बता दें कि वो पंजाब में कांग्रेस मामलों के पार्टी आलाकमान की तरफ से प्रभारी रहे हैं, तो उनको भी जाकर लोगों ने कहा कि जल्दी से जल्दी अमरिंदर सिंह को अगर आप नहीं हराएंगे तो हम शिरोमणि अकाली दल के अगुवाई में जो अलायंस है जिसमें बीएसपी भी शामिल है उससे लड़ने के काबिल नहीं रह पाएंगे। इसके बावजूद कि अकाली दल काफी बदनाम हो चुकी है लेकिन फिर भी वो उभर सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है, खासकर जो नॉन सिख जो वोट हैं पंजाब में और हिंदुओं के, हिंदू मिडिल क्लास ट्रेडिंग कम्युनिटी, उनमें भी उसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। तो ये वो वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी बात विड्रॉ करनी पड़ी या उस पर समझौता करना पड़ा कि नहीं, अमरिंदर सिंह को नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने अंततः ये फैसला किया और ये फैसला हाल में किया कि अमरिंदर सिंह को अब हटाना जरूरी है। और दो टूक शब्दों में कह दिया गया कि कांग्रेस के हित में उनको पार्टी की बात माननी चाहिए, आलाकमान की बात माननी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया लेकिन उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी भी जता दी। राजभवन से आज शाम 4:30 बजे जब इस्तीफा देकर वो बाहर निकले तो पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, पार्टी जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, ये उनके अपने मामले हैं, उसमें मैं नहीं दखल देता, लेकिन मेरे ऑप्शंस खुले हुए हैं, यानी मेरे विकल्प खुले हुए हैं कि मैं भविष्य में क्या करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएलपी की उस बैठक में जाएंगे जहां मुख्यमंत्री के लिए नए पद का, नए नाम का चयन होगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि पार्टी के अनुशासन को पार्टी के अंदर रहकर और फैसला करने या फैसला रोकने या नया फैसला कराने की प्रक्रिया में अमरिंदर सिंह शामिल नहीं होना चाहते। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जिस समय नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस के बहुत सारे जो ट्रेडिशनल लीडर थे उनको बहुत ही खराब लगा कि आखिर सुनील जाखड़ जैसे सीजन लीडर को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे एक ऐसे आदमी को क्यों बनाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहा हो,
जो कांग्रेस की मुखालफत कर चुका हो अनेक बार, और न केवल कांग्रेस का विरोध कर चुका हो बल्कि जिसकी इमेज भी एक बहुत ही नॉन सीरियस किस्म के आदमी की है, जो तरह तरह की जुमलेबाजी करता है, मुहावरेबाजी करता है, और एक सीरियस पॉलिटिकल एक लीडर की जिसकी छवि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनको प्रीफर किया। उसकी वजह ये थी कि उनकी तमाम जो छवि थी, जो टेलीविजन चैनलों में और तरह तरह के प्रोग्राम्स में जो आते थे और जो जुमलेबाजी करते थे, इसके बावजूद जो पंजाब की सिख कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा है उसमें सिद्धू जी की जो पकड़ है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। जैसे जैसे अमरिंदर सिंह कमजोर हो रहे थे, जैसे जैसे अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और उनके जो पुत्र और पुत्रवधु हैं, जैसे जैसे उनकी स्थिति पंजाब के सिख कम्युनिटी में कमजोर हो रही थी, वैसे वैसे नवजोत सिंह सिद्धू जैसे व्यक्ति की भी पॉपुलरिटी बढ़ रही थी। और उन्होंने कई ऐसे फैसले, कई ऐसे ऐलान किए जिससे कि लोगों को लगा कि ये उभरता हुआ नया सितारा है और क्रिकेट का ये सितारा सियासत का भी सितारा बन सकता है। तो आज की राजनीति, वैसे भी दोस्तों हम सब जानते हैं कि बहुत सीरियस किस्म की राजनीति देश के हिंदी हार्टलैंड में, या यूं कहा जाए इवन पंजाब हरियाणा या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में भी बहुत सीरियस पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो राजनीति हो। एक अजीब तरह की गैर गंभीरता राजनीति में है, और ऐसे परिदृश्य ऐसे परिवेश में नवजोत सिंह सिद्धू अगर क्लिक कर गए, खासकर कांग्रेस नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कि नहीं यही सबसे बेहतर नेता है, तो अमरिंदर सिंह का जाना उसी समय तय हो गया था। लेकिन सोनिया गांधी नहीं चाहती थी, एक तो राजनीतिक रिश्तों की वजह से और दूसरे पर्सनल रिश्तों की वजह से, पारिवारिक रिश्तों की वजह से। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम सब जानते हैं कि जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस पहली बार कांग्रेस से नाराज नहीं हुए, एक बार तो कांग्रेस छोड़कर वो जा चुके थे अकाली दल में, और जब अकाली दल से बाद में आए तो राजीव गांधी ने उनका बहुत खैर मकदम किया था पार्टी में, और राजीव जी से, राजीव गांधी के वो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक अच्छे रिश्ते दोनों के बीच में थे। तो एक उस लिहाज से भी सोनिया गांधी चाहती थी कि अमरिंदर सिंह को इस चुनाव तक नाराज न किया जाए, भले ही इस चुनाव के बाद किसी यंग जनरेशन के लीडर को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया जाए अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। लेकिन हाल के जो सर्वे आए, इंटरनल पार्टी सर्वे हों या प्रोफेशनल एजेंसी से जो सर्वे कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए कराए, उससे भी लगा कि कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। शुरू के दौर में जब अकाली दल को हराकर अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, तो उस वक्त उनकी इमेज अच्छी थी, उन्होंने काम भी अच्छा किया था, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान भी परफॉर्मेंस पार्टी की ठीक रही। लेकिन उसके बाद जो डिटोरिएशन, जो एक परफॉर्मेंस के स्तर पर जो कमजोरी दिखाई पड़ी, वो हाल तक जारी थी। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जो केंद्र सरकार की लीडरशिप है, कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह उनके साथ भी एक मेलजोल बढ़ाए रखे। उसके अलग अलग कारण थे, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन माना यह जाता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ उनका सॉफ्ट कॉर्नर या एक तरह के रिश्ते बन गए थे, जिससे कि वो चाहते थे कि केंद्र से भी हम नाराजगी मोल न लें, जिससे कि कोई हमारे ऊपर आफत आवे, किसी तरह की परेशानी में हम लोग फंसे, परिवार हो या स्वयं वो हों, तो ये वो कारण थे ऐसा माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसके कुछ ठोस प्रमाण है, लेकिन बहुत सारे जो तथ्य जो सामने उभर कर आए उसमें माना गया कि कुछ ऐसे पहलू जरूर हैं सियासत के अमरिंदर सिंह के, जिससे कि उनको केंद्र के साथ थोड़ा मुलायमियत रखनी पड़ रही है। तो बहुत सारे इन कारणों की वजह से कांग्रेस को लगा कि अब पानी जो है सर के ऊपर से बहने लगा। और दोस्तों आज की तारीख में मुख्यमंत्री पंजाब का कौन बनेगा, ये तो कहना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें 3-4 नाम हैं, और उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम है, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो अभी अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, फिर वो नाराज भी रहते थे, फिर अचानक उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके अलावा वो सुनील जाखड़ साहब भी हैं, बलराम जाखड़ साहब के सुपुत्र, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, सैक किए गए थे, ताकि सिद्धू साहब उनका पद ग्रहण कर सके, उनसे जो खाली हो रहा है पद उस कुर्सी पर बैठ सके, उनका भी नाम मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है। एक फार्मूला ये भी इजाद करने की बात चल रही है कि एक मुख्यमंत्री हो और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। ऐसे में ये भी संभव है कि सिद्धू साहब मुख्यमंत्री अगर बनते हैं या सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनते हैं,
तो दलित समाज से एक मुख्यमंत्री हो और दूसरा जो कोई भी एक ऐसी कम्युनिटी जो आमतौर पे जाट सिख कम्युनिटी से अलग हो उससे एक एक डिप्टी सीएम बनाया जा सके। अगर जाट कम्युनिटी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो निस्संदेह एक दलित कम्युनिटी और एक हिंदू कम्युनिटी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कांग्रेस की लीडरशिप में और कांग्रेस के जो एडवाइजर्स हैं जो उनको एडवाइस देने वाले लोग हैं उनके बीच चल रही है। और मैं समझता हूं कि आज जो मीटिंग चल रही है कांग्रेस विधायक दल की जिसमें कि अमरिंदर सिंह ने जाने से इनकार कर दिया है उसमें जरूर कोई विचार विमर्श होगा, लेकिन फैसला हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाए कि वो जैसी कि ट्रेडिशन है कांग्रेस की कि वो एथराइज कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी तय करे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री का चयन करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं ऐसा करती है तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में और ज्यादा एक बिखराव की स्थिति पैदा होगी। और ये भी अब देखना होगा कि अमरिंदर सिंह की आगे की राजनीति क्या है, कहीं वो एक नया ग्रुप तो नहीं बना लेंगे, कहीं वो एक नई पार्टी बनाकर और एनडीए के साथ तो एलाई नहीं होंगे, उसके साथ तो नहीं उनका अलायंस बन जाएगा, क्या वो अकाली दल के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमरिंदर सिंह ने जरूर ये महसूस किया है। आफ्टर ऑल वो पुराने राजा हैं और राजा जो है पुराना राजा कहीं ना कहीं उसके स्वाभिमान को उसके गर्व को उसके दम को अगर चोट लगती है दर्प को चोट लगती है तो वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि पूर्व महाराजा को जरूर एक धक्का लगा है कि उनको कांग्रेस परिवार ने कांग्रेस का जो मुख्य परिवार है उसने जरूर अधर में छोड़ दिया है और चुनाव से एन पहले उसको हटा दिया। लेकिन ये भी तय है दोस्तों, ये पंजाब से जो आने वाली खबरें हैं वो बता रही हैं कि अगर उनको न हटाया जाता तो कांग्रेस का वाकई इस चुनाव में बंटाधार हो जाता जिस तरह से उनकी सरकार बिल्कुल अप्रभावी ढंग से काम कर रही थी। और दूसरा जो बहुत दिलचस्प जो एक वाक्या आज सामने आया है कि बाबुल सुप्रियो जिनके बीजेपी से अलग हो जाने की कहानी बहुत पहले आई थी, खबर बहुत पहले आई थी, उनके टीएमसी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, आज अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के सांसद हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं उनकी मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। टीएमसी ज्वाइन करते ही उन्होंने ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी सबका एक तरह से कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट की और उन्होंने कहा कि अब वो टीएमसी के साथ ही काम करेंगे। इस बीच पे एक और टीएमसी को लेकर बड़ी दिलचस्प सामने बात आई है कि टीएमसी का जो मुखपत्र है बांग्ला में उसका नाम है जागो बांग्ला। जागो बांग्ला में एक अभी लेख छपा है, उस लेख में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बहुत इफेक्टिव लीडरशिप देश को विपक्षी राजनीति में देश को नहीं दे पा रहे हैं, अल्टरनेटिव लीडरशिप, ऐसे में क्यों न ममता बनर्जी को एक अल्टरनेटिव लीडर के रूप में विपक्ष आगे करता है। ये इस तरह का एक लेख आया है। मैं समझता हूँ कि टीएमसी के की तरफ से उसके मुखपत्र में चुकी है छपा है, बहुत पीस में छपा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखना होगा कि आगे की विपक्षी राजनीति में इसके क्या नतीजे इसके क्या अर्थ निकलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, देखिए पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, सुनील जाखड़ बनते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू बनते हैं या कोई और बनता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.